गुड मॉर्निंग। देखो आज क्या नाश्ता बना लिया, सैंडविच बना लिया, आलू है, खीरा है, सब कुछ करके फटाफट सैंडविच बना लिया मेरा, हस्बैंड का, मायादी का। साथ साथ परवल भी भाजा बिठा दिया, उधर चाय बिठ गया, चाय हो गया, थोड़ा चाय रखा हुआ है जो मायादी को देंगे, और इधर हम ढेरोस भाजा बिठा दिया। देखो ये बाइक वाला का कितना हिम्मत है, बाइक में वो क्रिकेट गेम लगा के देखते देखते गाड़ी चला रहे हैं, और सामने देखो सर्जेंट है और सामने पुलिस लोग कितना खड़े हैं, कोई डर नहीं है ना, पुलिस लोग इसका कुछ देख के बोल रहे हैं। इतना भीड़, इतना ट्रैफिक, बाप रे बाप, वो देखते देखते चला रहा है, जब सिग्नल दे रहा है तो ऐसे एकदम मुंह घुसा के देख रहा है। हम इसीलिए इसको कैप्चर किया कि देखो आप लोग कितना डेंजरस है, किस लिए एक्सीडेंट होता है, इसीलिए एक्सीडेंट होता है। क्लास में आ गया, तीन पैरों पर करके क्लास में आ गया, और क्लास के बाद एक जाएगा इस सामने राजाराटने सेक्टर 5 में मार्लिन में मीटिंग में जाना है, पता नहीं, देखते हैं क्लास ख़त्म करने के बाद गाड़ी मिलेगा तो तब मैं जाऊँगी। मीटिंग फिटिंग ख़त्म करके घर आ गई, ये दाल को गरम कर दिया, भिंडी भाजी करके ही गए थे, और ये अभी डबल डिम का ऑमलेट बना दिया दादा को, क्योंकि दादा ऐसे बिना माछ मछली का खा नहीं पाते हैं। आज हम सुबह सुबह तुम लोगों को वैसे कुछ दिखा नहीं पाए, आज हम नाश्ता में सैंडविच बनाए तो वही बस खाली शेयर किए, और खाना शेयर किया कि नहीं, खाना शेयर किए तो हाँ खाना शेयर किए, और नाश्ता जो बनाए वो शेयर किए, और फिर कुछ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि मेरे को 2:30 बजे निकलना था पूजा फूजा करके, अपना खाना फाना खा के, और 2:30 बजे जो निकले उसमें मेरे को सॉल्ट लेक सीके में जाना था, उधर मेरा 3 बजे से 4:30 बजे तक मीटिंग चला। 4:30 बजे के बाद मेरा 31 दिसंबर का प्रोग्राम का क्लाइंट का मीटिंग था, वही 4:45-5 बजे, क्योंकि सॉल्ट लेक है तो हम बोले 15 मिनट में मैं पहुंच जाती हूँ। मेरे को पता था कि वो सॉल्ट लेक में ही है, क्योंकि लास्ट 7 ईयर्स जितना काम हुआ उनके घर का मैं करती हूँ, मैं सॉल्ट लेक में इनके संग मीटिंग किया। तो आज जब सॉल्ट लेक का उसके जगह पे पहुंचा तब देखा कि घर में ताला बंद है, और इतना 5 तल्ला हम चढ़ के गए, उनके लिफ्ट नहीं था, 5 तल्ला चढ़ के गया, देखा लिफ्ट ताला बंद है घर में, और सामने ना कितना भगवान का सब कैसे भयंकर फोटो लगा हुआ है। मैं थोड़ा डर गई थी, जैसे होता ना बंद घर में किसी को बंद करके रखता है, तो वैसे उस टाइप का फोटो लगा हुआ था, तो मैं बहुत डर गई थी। एक बार ताला में हाथ लगा के हिलाए भी, फिर हम बोले मेरे को अगर कुछ चढ़ जाएगा तो फिर हम तुरंत वो पार्टी को फ़ोन किया, वो दीदी को, तो वो दीदी बोले सॉरी सॉरी दीदी, हम तो बोलना ही भूल गए, हम तो न्यू टाउन में शिफ्ट हो गया, न्यू टाउन मार्लिन 5th एवेन्यू बोल के एक बहुत बिग कॉम्प्लेक्स बने हैं मार्लिन कंपनी का, तो हम बोले अभी तो फिर तो आपके घर में हम आए, अभी हम कैसे जाए, अभी तो हम सॉल्ट लेक आ गए। इधर इसके बाद मेरे को 6 बजे से राजाराट में क्लास है, तुम लोगों को हम दिखाए क्लास, तो फिर हम बोले ठीक है चलो, हम बोले दीदी राजाराट में मेरे 6 से 7 क्लास है, वो हो जाएगा तो मेरे को गाड़ी मिलेगा तब मैं जाऊंगी आपके पास, क्योंकि प्रोग्राम भी देखो सेटिंग करना है 30 दिसंबर का, अभी हम लोगों को लाइन में ना 30 दिसंबर मतलब एकदम नेक टू नेक बोलता है, और अभी हम एडवांस नहीं उठा के आर्टिस्ट लोगों को बुकिंग नहीं करेंगे ना, सिंगर फिंगर को, तो आर्टिस्ट मिलेगा नहीं, तो हम बोले ठीक है चलो। वही जो 2:00 बजे का खाना खा के हम निकले, उसके बाद हम उनके घर से हम ऑटो पकड़ के बोईशाखी गए, हम उसके घर से जो निकले उधर से हम ऑटो पकड़ के बोईशाखी गए, बोईशाखी से पैदल गया बोईशाखी खाल, खाल क्रॉस करके मैं रिक्शा पकड़ के गई हल्दीराम राजाराट के तरफ, ये क्लब टाउन नहीं, इसको बोलता है सर्कल क्लब है, सर्कल क्लब के पास में मेरा वो क्लास था, और हम जानबूझ के गाड़ी नहीं लिया क्योंकि इतना भयंकर जाम मतलब अभी हम गाड़ी में उठेंगे तो मेरा उधर 6 बजे क्या 7 बजे तक भी नहीं पहुँचते, हम इतना भीड़ हो रहा है, क्योंकि बीच में श्रीभूमि पड़ता है तो श्रीभूमि में भयंकर रकम की भीड़ हो रहा है, इसीलिए मैं वो भीड़ को अवॉइड करने के लिए मैं चली गई इसमें, मैं खाल पार होके थोड़ा मेरा तकलीफ हुआ वो सीढ़ी फिरी करके, वो फिर वो एरिया में मेरे को एकदम प्रॉपर टाइम पे हम पहुंच गए उधर पहुंच के फिर बोल रहा है कि इसके घर में क्लास नहीं होगा, उसके घर में क्लास नहीं होगा, वैसे चल रहा था,
फिर ऊपर कम्युनिटी हॉल में क्लास करने गया तो वो छत्ता में चढ़ के फिर उसने हम क्लास करवाया, कम्युनिटी हॉल का क्लास करवाए और फिर हम तीन तीन फॉर्म फिलअप करवाए बच्चा लोगों का, उसका रिजल्ट दिया, वो करके उधर से गाड़ी पकड़ के हम जब पहुँचे वही सेक्टर 5 विश्व बांग्ला शौरणी, विश्व बांग्ला जो रेस्टोरेंट है उसको छोड़ के भी 10 मिनट आगे क्लाइंट का घर है, मोहिश बाथान या मोहिशा दौल ऐसे ही कुछ, हम नाम देख रहा था स्टॉपेज का। तो मैं तो उबेर में गई, तो उधर जब पहुँचे तब बजा 8:20 बजा, तो फटाफट क्लाइंट के संग मीटिंग करके, मीटिंग मोटा मोटी बात किया हुआ ही था, तो बस खाली दीदी को कुछ लिखवाना था और एक टोकन लेना था, तो वो लिखवा पिखवा के टोकन लेके, ये लोग इतना अच्छा है तो इन लोगों को पता है कि मेरे को इधर से गाड़ी नहीं मिलेगा 9 बजे के बाद, तो वो भैया भाभी एक्चुअली उनको बेटा को छोड़ने ये जा रहा था आपका शियालदह स्टेशन, तो ये लोग मेरे को क्या किया ना अपने गाड़ी में लेके करुणामोई, सॉल्ट लेक करुणामोई छोड़ दिया। सॉल्ट लेक करुणामोई से आम कम से कम 20 मिनट आधी घंटा खड़े हैं, 8 गाड़ी बुकिंग हुआ, 8 गाड़ी कैंसिल किया, फिर हम इतना मतलब वो हो रहा है, मेरे को भूख इतना जोर का लगा, हमको टॉयलेट भी इतना जोर का आया, ऑलरेडी हमको पता था कि अभी भी और 1 घंटा लगेगा घर आने में, और मेरे पास पानी भी नहीं था, इतना प्यास लगा। और अब सोच सकते हो कि करुणामोई मोड़ पे ना 9:30 कुछ नहीं मिलता है इस तरफ, जो सेक्टर 5 से आके गाड़ी जहाँ रुकता है। तो फिर हम क्या किया ना, उधर से देखा ऑटो खड़े हैं, तो ऑटो करके हम उल्टाडांगा आए, उल्टाडांगा से फिर ऑटो करके हम जोड़ा मंदिर आए, जोड़ा मंदिर से फिर हम पैदल आए। मतलब मेरा अच्छा खासा आजकल एक्सरसाइज हो रहा है ये पूजा के चलते, भीड़ के चलते, तो ये किया। आज इतना करने के बाद फिर घर आए, घर आके कपड़ा फपड़ा जचाए जो बाहर सब सुखाने देके गए थे माया दी, आके फिर तुम लोगों को खाना दिखाया, दाल तो बनाया हुआ था और ढेरोश भिंडी भाजा बना हुआ था, तो ये सब गरम किया और प्लस डबल डिम का ऑमलेट बनाया, क्योंकि दादा कैसे खाएगा, हम तो आज मूढ़ी और दाल खा लिया, मेरे को और हिम्मत नहीं हो रहा था, पहले मेरे को खाना चाहिए था, तो मेरे पास मूढ़ी था दाल था, क्योंकि चावल वैसे ही था दादा के हिसाब से ही। और दादा आके देखा कि दादा रोटी भी नहीं लाए, मेरे को पूछा भी नहीं, और मैं भी बोलूँ इतना मेरे को याद भी नहीं था, इतना काम का प्रेशर चल रहा था। तो हम फटाफट मूढ़ी खा लिया दाल देके, तो बस यही है आज का, कुछ नहीं दिखा पाए, अभी कुछ दिन ऐसे ही चलेगा, तो चलो गुड नाइट, जय बाबा लोकनाथ। अभी बस मुँह फूँ धो के दादा का खाना रेडी करके सोने आ गया, थोड़ा सोएंगे और थोड़ा रेस्ट चाहिए अभी। ऐसे ठीक है, मेरा अभी भी है एनर्जी है वैसे नहीं, बट एक इतना ना लगातार थोड़ा बॉडी को रेस्ट देना है, इसीलिए थोड़ा सो जाएंगे, सो के तो फिर हमको यही एडिट करना है। तो तुम लोग जो जो देख रहे हो ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, प्लीज़ मेरा व्यूज़ बढ़ाओ तुम लोग, ओके ठीक है, चलो गुड नाइट। और पूजा आ रहा है, हैप्पी पूजा सबको, तुम लोग बहुत हैप्पीली पूजा को पूरा पूजा माने पूरा पूजो के काटाओ, सुंदरभावे पूजो काटाओ, सुंदरभावे घोराफेरा करो, शरीर सुस्थ थाकुक, खावा दावा खूब सावधाने करो, रात जागजो, रात जेगे पूजो पैंडेले जाबे, सब किछु करबे, तो सेई हिसाबे निजे शरीरेर दिके खेयाल रेखे সেইভাবেই তোমরা পূজায় এনজয় করো। গুড নাইট।